देखते रहिए यूबीएन जीरो एट ब्यावरा से रोहित ब्यूरो की बड़ी खबर आ रही है। भाजपा के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी 21/1/2020 को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपेगी। 19 जनवरी 2020 को ब्यावरा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अशांति एवं कानून का उल्लंघन किया गया, जिसके विरोध में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेतागण सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपेंगे। ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी और जिला राजगढ़ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद दांगी ने भाजपा की घोर निंदा की है। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ब्यावरा शहर के लिए आज का दिन बड़ा दुखद भरा दिन था, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था वास्तव में कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए इतने निचले स्तर तक भी आ सकते हैं। हम सबको पता है धारा 144 लगी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर थे, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कानून को तोड़कर सड़कों पे आए। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को और हमारे सभी प्रशासन को, आदरणीय कलेक्टर को, एसडीएम को, जिन्होंने मुस्तैदी से इसे रोका। और रोका ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून को तोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, और जो हमारे सबसे बड़े जिले के अधिकारी, जिलाधीश, एसडीएम, उनके साथ ही बदसलूकी करी। आज हमारा देश स्त्रियों का सम्मान करता है, शक्ति का सम्मान करता है। आज आप देखिए वीडियो में, वीडियो साफ है, कोई कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की कर रहा है तो कोई एसडीएम के बाल खींच रहा है। ये क्या करना चाहते हैं, क्या संस्कृति है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं तो सभी से अपेक्षा करता हूँ कि अगर हम सब लोग चुपचाप हाथ पे धर के आज बैठे रहेंगे और ऐसे लोगों की निंदा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक बड़ा अभिशाप होगा, हमारे शहर के लिए एक बड़ा अभिशाप होगा। मैं सभी से बताना चाहता हूँ और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना की, इस इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की घोर निंदा करना चाहिए। और जो आज जिला प्रशासन ने जो मुस्तैदी और जो ऊर्जा दिखाई है वो धन्यवाद के पात्र है, और हम सब लोगों को, ऐसे जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको, हमारा जिला प्रशासन जो आज महिला के रूप में, आज कलेक्टर साहब है, महिला के रूप में एसडीएम साहब है, इन्होंने, इन्हें बताया क्या यहाँ रहना है या बसना है, सिर्फ